रांची के मोरहाबादे स्थित मरंग घूम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक आयोजित होने वाले झारखंड वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय आयोजन समिति की बैठक आयोजित की गई। अरुण कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा व परिवार कल्याण विभाग झारखंड की अध्यक्षता में हॉकी स्टेडियम स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित बैठक में तैयारियों की अंतिम रूप से समीक्षा करते हुए सफल आयोजन को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान अरुण कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा व परिवार कल्याण विभाग झारखंड ने आयोजन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मीटिंग में यही समीक्षा हुई कि हमारी तैयारियों का क्या स्तर है और तैयारियां काफी पूर्ण हो चुकी है। छोटे छोटे इश्यूज हैं, उस इश्यूज के संबंध में बातचीत हुई ताकि कोई कमी ना रहे। पासेस इशू करना, पार्किंग के बारे में, टीम्स के आगमन को लेकर के, अधिकांश टीमें आ चुकी, खाली मलेशिया की टीम है जो शाम को पहुंच जाएगी और सभी टीमें अपनी व्यवस्था से संतुष्ट हैं और बहुत खुश हैं। प्रैक्टिस चल रही है और स्टेडियम भी तैयार है खेल आरंभ कराने के। ट्रैफिक को लेकर व्यवस्था की जाएगी, कुछ पार्किंग एरियाज हम लोग डेजिग्नेट करेंगे ताकि उन पार्किंग एरियाज में लोग अपनी गाड़ी को पार्क करें। वेंडिंग जोन भी एक हम बना रहे हैं हमारे रांची नगर निगम के सहयोग से, वहाँ के जितने वेंडर होंगे जो चाट पकौड़ी वाले लोग हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनको एक वेशभूषा दी जा रही है ताकि झारखंड की जो कला है संस्कृति है उसका हम प्रचार कर सके। पीआरडी के द्वारा भी क्लिप्स तैयार किए गए जो खेल के दौरान दिखाए जाएंगे झारखंड की कला संस्कृति को दिखाते हुए, तो ये सब व्यवस्थाएं हमने की हैं। हमें उम्मीद है कि सभी लोगों का सहयोग मिलेगा। हम चाहते हैं अधिक से अधिक संख्या में लोग आए। स्टेडियम में प्रवेश निःशुल्क है, अधिक से अधिक संख्या में आए और देश के खिलाड़ियों का और बाकी देश के आगंतुक खिलाड़ियों का भी पुरजोर स्वागत करें, उनका हौसला बढ़ाए। सुरक्षा को लेकर पूरी पुख्ता व्यवस्था है, सुरक्षा में हमारे सुरक्षा कर्मी रहेंगे, सिविलियन वेशभूषा में भी रहेंगे और गेट्स पर भी रहेंगे, हर तरह की सुरक्षा व्यवस्था है। शहर के अंदर भी सुरक्षा रहेगी, शहर को भी सजाया जा रहा है ताकि शहर में पूरा एक उत्सवमयी माहौल रहे, ताकि लोगों को पता चल सके कि एक अच्छे आयोजन का कैसे झारखंड में किया जाता है और लोग उसका आनंद उठाए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।